So yummy, na? So tasty. अस्सलामुअलैकुम, युवा कुकिंग कॉर्नर में आज आप मैक्रोनी की रेसिपी देखेंगे। उर्षा वहाँ शॉपिंग के लिए जा रही हैं, इंशाल्लाह मैक्रोनी आएगी और हो सकता है कि मैक्रोनी के साथ कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह भी आ जाए। बहुत अच्छा लग रहा है आज शॉपिंग करने के लिए जाना, क्योंकि इतनी लंबी बीमारी, लॉकडाउन के बाद घर से निकलना अच्छा अच्छा लग रहा है। और आप देखिए कि जो आप इस चैनल में देखते हो सब रियल है, किसी और कुकिंग चैनल में आपने ये नहीं देखा होगा। आई होप ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। जुड़े रहिए उषा माँ के साथ, नो टेंशन, ओनली स्माइल, एंड प्लीज़ गिव मी अ सब्सक्राइब। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको यू आर कुकिंग कॉर्नर में बहुत बहुत वेलकम और मेरा सलाम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मैक्रोनी। मैं मैक्रोनी की दो पैकेट लिए हैं और मैंने आलू लिया था एक बड़ा, उसको बॉईल कर लिया है। और यह है हमारा मटन का कीमा। हमने इसको लहसुन अदरक थोड़ा सा ऑयल में डाल के भून लिया है, लहसुन अदरक नमक और ऑयल में। इसमें मिर्चें नहीं डाली हमने, इसको दो टेबल स्पून डाल के हमने थोड़ा सा भून लिया है, पका लिया इसको हमने। ये हमारा मटन का कीमा भी है और ये हमारी टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, ये हमारा दो टेबल स्पून गरम मसाला है, ये हमारा सॉल्ट है। इजी और मेरे रेसिपी से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मैक्रोनी, बड़ी टेस्टी। आप इसको हम पहले बॉयल करेंगे। हमेशा याद रखिए, बॉयल करते वक्त पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर डालें और ऑयल डालें, फिर ये जब उसका पानी हम निकाल देते हैं तो ये आपस में चिपकती नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगी। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी चटपटी सी अपनी ये डिश। ये हमने टमाटर भी लिए हैं एक किलो, इसको हम ग्राइंड करेंगे इसके अंदर और फिर इसको डालेंगे मैक्रोनी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑयल डाला, इसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दिया। अब ये थोड़ा पक रहा है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। ये हमारा टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक नमक हो रहा है, अब बाकी सारे मसाले हम इसमें ऐड करते जाएंगे बारी बारी। ये हमने कुटी मिर्च भी डाल दी, साबित काली मिर्च को हमने कूट लिया था वो भी डाली है हमने। अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रहे हैं और सॉल्ट डालेंगे। और जो कीमा हमने पहले से रखा हुआ था बनाकर, आपको हमने बताया था दो टेबल स्पून डाल के लहसुन अदरक डाल के हमने कीमा बना लिया था मटन का, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये मटन मैक्रोनी बन रही है ज़बरदस्त चटपटी सी। अब इस सब मसाले को हम भूनेंगे और फिर हम मैक्रोनी बॉयल हो रही है हमारी, हम दिखाते हैं आपको। ये हमारी मैक्रोनी बॉयल हो रही है। अब ये जब बॉयल हो जाएगी तो हम इसमें इसकी मसाले की तय लगाएंगे और फिर आपको गार्निश करके दिखाएंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है मटन मैक्रोनी, आप जाइए बना के देखिए घर में। मटन का कीमे से मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनती है, आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आप हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसमें हमने बॉयल आधा पतीला लिया है पानी का और इसमें हमने मैक्रोनी डाल दी थी दो पैकेट और सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल हमने इसलिए डाला था कि आपस में चिपकती नहीं। चलिए इसको बॉयल होने के साथ होती है तो हम मसाला हमारा रेडी हो रहा है, तो फिर हम इस आपको सर्व करके दिखाएंगे। आप मेरी रेसिपी से बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। वाह, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हमारा स्पैगेटी का वो मैक्रोनी का मसाला रेडी हो रहा है। अब ये जब रेडी हो जाएगा भुनने पे आएगा, अब इसको भुनने के बाद इसमें हम बॉयल किए हुए आलू डालेंगे और फिर हम इस मैक्रोनी के ऊपर तय लगाएंगे ज़बरदस्ती। ये देखिए ज़बरदस्त, हमने आलू वगैरह भी इसमें ऐड कर दिए हैं, ये भुनने पर आ गया है। ऑयल हमने इसमें लिया था 1.5 चम्मच गोल वाला, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऑयल कर सकते हैं। बाकी पूरा मसाला जो हमने आपको बताया था वो सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेरी रेसिपी से बना के देखिए मैक्रोनी, बहुत टेस्टी बनती है। चलिए ये भुनने पर शुरू हो गया, हमारा भुन गया थोड़ा सा रहता है। हाँ, हमारी मैक्रोनी बॉयल हो गई है, अब हम इन दोनों की को तय लगा के आपको सर्व करके बताएंगे।
ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये हमने चिकन पाउडर डाल दिया है 1/2 टीस्पून। आप भी इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। चिकन पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी मैक्रोनी बॉयल हो गई। देखिए आपको भी ऐसी ही बॉयल करनी है, खिली खिली। ये देखिए कैसे अलग अलग सी हो रही है, जुड़ी जुड़ी नहीं है। ये ऐसी आपको खड़ी खड़ी मैक्रोनी बॉयल करनी है। ये हमारी बॉयल हो गई है। और ये हमारा मटन खीमे का मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, मटन खीमा विद मैक्रोनी। अभी ये इन दोनों को मिक्स करके हम खूबसूरत सा आपको सर्विंग करके दिखाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। सब कुछ हम आपको रियल बताते हैं, इसमें कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती और कोई झूठ नहीं होता। सब जो हम घर में रियल बनाते हैं, आपको भी हम सब रियल ही बताते हैं। वाओ, ज़बरदस्त, हमारा ये रेडी हो चुका है। देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है इसका, मैक्रोनी का। हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है, हमने सर्विंग ट्रे में डाल दिया है इसको। केचप के साथ आप जाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। अगर आपको हमारी मटन मैक्रोनी पसंद आई, हमने मटन के खीमे की बनाई थी मैक्रोनी, कीमा मटन मैक्रोनी, अगर आपको पसंद आई है तो अपने घर में जाइए, अपने घर वालों को हमारी रेसिपी से बना के खिलाइए। और अगर आपको मेरी गलती लगी, कोई मिस्टेक लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।